हेलो हाय नमस्कार. मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, आई थिंक नो बडी इज़ अनअवेयर ऑफ इट. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस. एक्चुअली मुझे लगता है ना कि हमें सब कुछ पता है. हर दूसरा मीम इंस्टाग्राम पे, हर दूसरा पोस्ट फेसबुक पे, दूसरा पोस्ट, एवरीथिंग इज़ अबाउट कोरोना वायरस. हमको सब कुछ पता है ना, हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. स्टिल आई डोंट नो वेयर वी आर लैकिंग. करेक्ट, आपको भी ये चीज़ फील हो रही होगी. कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो ये चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं या उनको मज़ा आ रहा है कि यार देखते तो हैं क्या होता है. एक्चुअली एक बात बोलूँ, ये जो देखते तो हैं ना क्या होता है, आज जो सिचुएशन चाइना और इटली की है ना, जैसे हम वहाँ पे नंबर्स गिन रहे हैं ना, अगर आपने ये चीज़ सोच ली ना कि देखते हैं क्या होता है, पता तो करते हैं, बाहर तो जाके देखते हैं, बंद है क्या सच में दुकानें, सच में नहीं जाने दे रहे हैं क्या बाहर, सही बताओ. बहुत बुरा लगेगा, बट आप भी नंबर्स बन के ही रह जाने वाले हो. अगर आप अभी अपने आप को नहीं कंट्रोल किए तो आप सच में नंबर्स बन के रह जाने वाले हो. ठीक है, हाँ हमें पता है ना, जैसे शक्तिमान बोलता था, छोटी मगर मोटी बातें. मैं आज जो बातें बोल रही हूँ ना, आई थिंक आप सबको पता होंगी. बट कभी कभी क्या होता है ना, जब आप किसी दूसरे के मुँह से सुनते हो ना, तो आप फील कर पाते हो उन चीज़ों को. सो मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो बोल रही हूँ, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है और जो आपके यू नो लव्ड वंस है जिनको आप ये शेयर करने वाले हो, यार अगर किसी 2, 4, 10 लोगों को भी इससे फ़र्क पड़ रहा है ना, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. क्योंकि एट द एंड हम एक इंसान से नहीं होने वाला ये सिचुएशन कंट्रोल. हम सबको यू नो यूनाइट होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मैं सिचुएशन से फाइट करके बाहर निकल पाएँ. I will try to make this video very short. जो कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहती हूँ जो कि very important है actually current scenario में, तो मैं start करती हूँ. सबसे पहली चीज़ social distancing. I know everybody is saying this word. आप हर दूसरे इंसान से यही शब्द सुन रहे होंगे, but actually इसका meaning समझ पा रहे हो आप? देखो आपको क्या करना है. social distancing, 21 दिन का lockdown already दे दिया है you know government ने पूरे इंडिया में. follow कर लो उसको बस. ठीक है, 21 दिन टोटल अवॉइड करो, अननेसेसरी रोम नहीं करोगे पहली चीज़. दूसरी चीज़, बाजू वाली सोसाइटी में ही क्यों ना रहता हो आपका दोस्त, डोंट गो एंड पार्टी. ठीक है, मैं बैचलर्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, बोर हो रहे हो आप, आई नो सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत बोरियत लग रही है, लग रहा है, बट थोड़े दिन रुक जाओ, एक बार कंट्रोल हो जाएगा, जी भर के पार्टी कर लेंगे. ठीक है, तीसरी चीज़ यार, अभी बहुत सारे लोग घर गए हुए हैं. ठीक है, हमें पता है, जैसे यहाँ पे इफ वी पीपल आर डूइंग जॉब या फिर हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता लगा कि यार सिचुएशन बहुत ख़राब है, लॉकडाउन हो रहा है, हम घर चले जाते हैं, और हम चले भी गए. ठीक है, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप चले गए आपने बहुत अच्छा किया. आई नो आप बैचलर हो, आपको खाने का प्रॉब्लम है, मेस बंद है, बहुत अच्छा किया, बट प्लीज़ आप जा रहे हो ना, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20s और 30s और 40s की एज में हैं. 20s की इम्यूनिटी सिस्टम, 30s की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है. ठीक है, मे बी आप जब ट्रेवल कर रहे थे ना, आपने वो वायरस कंटेन करा अपने अंदर, आई डोंट नो, आपने बहुत प्रिकॉशन लिया पर नहीं हो पाया, हो सकता है आपके अंदर वो वायरस आ गया, बट क्या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, आप उस वायरस के साथ सर्वाइव कर लिए, फाइट कर लिए, लड़के आपने खुद से उस वायरस को ख़त्म कर दिया. बट आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और सीनियर पर्सन जो आपके घर में है, उनकी इम्यूनिटी नहीं है इतनी अच्छी बॉस. थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का. घर जा रहे हो, 14 दिन खुद को क्वारंटीन करके रखो. ठीक है, थोड़ा अवॉइड करो क्लोज कॉन्टैक्ट. घर पे अगर कोई बीमार है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लो. सर्दी खांसी क्यों ना हो, फिर भी प्रिकॉशन लो, दूर रहो, 14 दिन तक रहो. उसके बाद अगर आप सही रहते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठो घर पे, कोई दिक्कत नहीं, बट प्लीज़ 14 डेज प्रिकॉशन लो. ठीक है, दूसरी चीज़, पैनिक शॉपिंग. हम लॉकडाउन की खबर सुन के ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर चुके हैं ना, कि अगर अभी हम नहीं भी खरीदेंगे ना तो चलेगा. ठीक है, आपके पास स्नैक्स यू नो रॉ ग्रेन्स पल्सेस सब कुछ है, बस करो अभी. ठीक है, अननेसेसरी जाके वहाँ भीड़ मत लगाओ और अपने लिए फैक्टर बढ़ाओ मत. कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो बाहर ना यू नो भीड़ कम है तो डेंजर भी कम होगा. भीड़ कम है, आई नो यू नो डेंजर कम है, पर ख़त्म नहीं है, इसलिए अवॉइड करो. ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है. तीसरी चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ, यू नो हैंड सैनिटाइज़र, हैंड सेफ्टी और सेफ्टी मेजर्स की. देखो अभी आप घर पे हो, सब लोग घर पे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर पे हो, कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, यार अवॉइड करो. सैनिटाइज़र एक सब्स्टिट्यूट है, रिप्लेसमेंट नहीं है. ठीक है, अभी घर पे हो, टोटल अवॉइड करो सैनिटाइज़र को, जितना हो हैंड वॉश करो. ठीक है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. दूसरी चीज़, जो
मैं बताना चाहूँगी ये लड़कियों के लिए हैं आगे की दो चीज़ें. पहली चीज़ नेल्स. यार देखो नेल्स जो हैं बड़े बढ़ा के रखने की आदत होती है लड़कियों की. प्लीज़ अभी काट दो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वायरस सबसे ज़्यादा अटैक नेल्स के थ्रू करता है. क्योंकि हमारी आदत होती है अनकॉन्शियसली मुँह में हाथ अपना रखते ऐसे, नेल्स वहाँ से वायरस को ट्रांसमिट करने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. दूसरी चीज़ हमारे हेयर्स बड़े हैं लड़कियों, तो आप क्या करो टाई अप करके रखो. कोई भी ऐसा सिचुएशन मत दो यार जिससे वो मतलब वायरस आपकी बॉडी पे रह पाए, ठीक है. नेल बाइटिंग मत करो, ये सबके लिए है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, नेल बाइटिंग मत करो, बहुत डेंजरस है ये, ठीक है. अगर आप बाहर जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, मेक श्योर पहले तो मत जाओ, ठीक है. लेकिन अगर आप जा रहे हो एक ही ड्रेस रखो, एक ही कपड़े रखो जिसको आप पहन के जाओगे, एंड कोशिश करो कि एटलीस्ट वाटर रिंस करो उनको आके एंड उनको वापस डाल दो. मैं बोल रही हूँ धो मत, वाटर रिंस तो कर सकते हैं हम, ठीक है. अभी हमने स्नैक्स लेके आया, अभी आपको लग रहा है यार कि वो पैकेट्स में होते हैं वायरस, अगर है बाई चांस, मान लो मल्टीपल लोगों ने टच किया, ठीक है. क्या करूँ, हमें पता है प्लास्टिक में मोस्ट प्रोबेबली 24 आवर्स रहता है, मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स के लिए. वो सामान लाओ वहीं पे छोड़ दो, उसको मत छुओ. 24 आवर्स बाद अपने आप वायरस उसमें से ख़त्म हो जाएगा, आप उसको यूज़ करो. दूध के पैकेट हैं, सब्जियां हैं, मल्टीपल टाइम्स धो इनको, उसके बाद इस्तेमाल करो. कोशिश करो बॉयल करके खाओ सब्जियां, करेक्ट. ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं. उसके बाद बात करूँगी कि यार हेल्थ का कैसे ध्यान रखना. अभी मुझे पता है कि अब घर पे हो, कहीं ऐसा मत करो कि वायरस के चक्कर में इतना ओवर ईटिंग कर लो कि लूज मोशंस हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए. क्योंकि घर बैठे हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो भूख लगती है. आई नो मेरे साथ भी होता है ये चीज़. कोशिश करो ना कि उसको हेल्दी चीज़ों से सब्स्टिट्यूट ढूंढ पाओ उसके, जैसे कि स्नैक्स की जगह पीनट्स नट्स खा लो, ठीक है. अपना इंडियन फूड इतना अच्छा है ना कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली. अगर आप ये 21 दिन या आने वाले जितने दिन हैं वो आप सिर्फ दाल रोटी खा के भी रह रहे हो ना, सब्जियाँ यानी बीन्स ग्रेन्स यू नो वो सब खा के भी रह रहे हो ना, तो आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जाएंगे. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन फूड. घी यूज़ करो, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें. एंड लास्ट थिंग जो मैं सच्ची में एक्चुअली बोलना चाहती हूँ सबको, यार मैं हर दूसरे दोस्त से ये या हर किसी से ये सुन रही हूँ, यार बोर हो रहे हैं घर पे बैठ के, बोर हो रहे हैं. यार यू नो दैट 21 दिन का लॉकडाउन है. 21 दिन एक ऐसा टाइम होता है ना जब किसी हैबिट को छोड़ सकते हो, नई हैबिट को अपना सकते हो. ये टाइम आई नो दिस इज़ अ वेरी बैड टाइम, कोई नहीं चाहता था कि ऐसा सिचुएशन आए, बट टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि कुछ लाइफ में अच्छा कर पाओ ये 21 डेज में, ठीक है. यार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको सजेस्ट, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड हैज़ अ हॉबी ऑफ यू नो ड्राइंग, तो मैंने उसको ऑनलाइन कोर्स सजेस्ट किया. यार आप अपने लव्ड वंस को ऐसी चीज़ें सजेस्ट करो ना, ऑनलाइन कोर्सेज सजेस्ट करो, यू नो वीडियोज देखें, बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें. यार कुछ करियर में करना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ लो. बहुत टाइम है यार ये लाइफ में, जो ये टाइम है शायद कभी लौट के नहीं आएगा. आई होप नहीं आए, इस तरीके से तो नहीं आए कि आप लॉकडाउन हो, फ्री रहो, खुश रहो, ये रहे, बट लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आए. बट अभी आई है ना, तो हमको एवरी टाइम वी हैव टू सी ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज. सो मे बी यू नो गॉड चाहता है कि हम सबको एक पॉज मिले, ब्रेक मिले हमारे एक बिजी शेड्यूल से. बहुत बार हम कहते हैं ना कि यार मेरा ये हॉबी है, मुझे सिंगिंग पसंद है, बट टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस के चक्कर में ना कुछ नहीं कर पाती मैं. यार यही टाइम है, करो ना, गाओ, सिंगिंग करो, यू नो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, कुछ पसंद है खाने के लिए बनाओ, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो. आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यू नो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं दिख पा रही हैं या देखते हो भी इग्नोर कर रहे हैं, आई होप कि मैं आपको बता पाई हूँ. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ. व्हाट्सएप की अननेसेसरी यू नो र्यूमर्स पे बिलीव मत करो, ठीक है. जो देखना है ऑथेंटिक साइट से देखो, अननेसेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आई होप मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कन्वे कर पाई हूँ. और अभी बहुत ज़रूरी टाइम है कि हम सब यूनाइट होके रहें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें. प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, पॉजिटिव रहो, एवरीथिंग विल पास. ये सिचुएशन भी पास होगी, अच्छा वापस से सब कुछ होगा. एट लास्ट बट नॉट लीस्ट यही बोलूँगी, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. थैंक यू.